नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो आप देख रहे हो एक जोड़ा, ये व्हाइट कलर की है। ये पहली पहली बार मेरे प्लांट इतने सारे ढेर सारे फ्लावर्स दिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, ये चाइनीज एक जोड़ा है, यानी इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखें, इसके फ्लावर्स बहुत ही नन्हे नन्हे आते हैं। एक जोड़ा के एक्चुअली मैंने तीन प्लांट लगा के रखे हुए हैं, एक पिंक कलर के, दूसरे येलो वाले, ये येलो हैं। ये पिछली बार भी काफ़ी खिला था, इस बार भी खिलना शुरू किया है। और एक चाइनीज व्हाइट वाली जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने कुछ फ्लावर्स और आपको शेयर करती हूँ। ये बटन रोज, अभी देखो कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे खिले। दो चार चांदनी भी खिल रही है। ये चांदनी के प्लांट हैं, इसमें कलियां भी बहुत लगी हुई हैं, लेकिन फ्लावर्स अभी एक दो ही निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर इसमें पूरे के पूरे जब खिल जाते हैं तो ये पूरा ढक देता है। ये इस तरह का प्लांट काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये इसके पत्ते भी काफ़ी, देखोगे तो इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरा भुसुंडा, इसके इंग्लिश नेम क्या है मुझे याद नहीं, इसको भुसुंडा हम लोग यहाँ कहते हैं। ये भी कितने खूबसूरत खिले हुए। भुसुंडा के दो प्लांट मेरे पास हैं, एक ये पिंक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। ये पिंक वाली है, ये भी अभी अभी काफ़ी खिल रही है। ये रात की रानी, अभी रात तो हुई नहीं है इसलिए खिली तो नहीं है, लेकिन इसके ढेर सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। रात होते ही ये खिल जाते हैं और फिर सवेरे में ये सारे के सारे जमीन पर आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे खिले हुए हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये खिले हुए। दोस्तों, यहाँ जो आप रोज़ देख रहे हैं, इसको देख रहे होंगे आप कि किस तरह से ये गर्मी के कारण खिल तो इतना जम के रहा है, लेकिन गर्मी के कारण किस तरह से ये बेचारा जल जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, मेरे यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ रही है। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने एक जोड़ा के फ्लावर्स को दिखाने की पेशकश की है, तो मैं आज उनसे एक जोड़ा को का फूल शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे वही एक जोड़ा के प्लांट हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, जिसे मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। ये इस तरह से अभी खिल रहे हैं, धूप लगने से इनके कलर्स थोड़े फेंट हो गए हैं। अभी इनके कलर्स उतने पिंक नहीं आ रहे हैं जितने पिंक पहले आते थे, लेकिन खिल रहा है ये काफ़ी। आप देखोगे नीचे की ओर एकदम रूट्स के पास इसके ढेर सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो इसी के साथ एक जोड़ा को शेयर करते हुए मैं आप लोगों से आज